दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्मण सैनी, लक्ष्मण हेल्थ केयर से। आज हम बात करते हैं कार्डियो मॉनिटर के बारे में। कार्डियो मॉनिटर क्या है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, कार्डियो मॉनिटर का प्रयोग हम कौन से पेशेंटों में कर सकते हैं, आइए हम आप इस बारे में बात करते हैं। कार्डियो मॉनिटर के बारे में हम बात करते हैं, ये हमारा कार्डियो मॉनिटर है। देखो दोस्तों, कार्डियो मॉनिटर का प्रयोग हार्ट रेट, पल्स, SpO2, BP, जो पेशेंटों की क्रिटिकल स्थिति होती है उनके लिए काम में लिया जाता है कार्डियो मॉनिटर। उससे हम पेशेंट की मॉनिटराइजिंग चलती रहती है, उसकी पल्स क्या आ रही है, BP क्या आ रहा है, SpO2 कितनी आ रही है, इसका प्रयोग हम कार्डियो मॉनिटर के रूप में करते हैं। आज हम बात करते हैं कार्डियो मॉनिटर की। कार्डियो मॉनिटर क्या है, ये हमारा कार्डियो मॉनिटर है, इसको हम किस प्रकार से यूज ले सकते हैं, किस प्रकार इसका प्रयोग आपको करना होगा, जरूरत पड़े तो मैं आपको बताता हूँ। ये ऑन करने का कार्डियो मॉनिटर का बटन है, ये देखो, इससे हमारा कार्डियो मॉनिटर ऑन हो गया। ये कार्डियो मॉनिटर ऑन हो चुका, ये हमारा कार्डियो मॉनिटर का BP कप है। ये BP कप है, इसका पेशेंट का हम लेफ्ट हैंड में कप को बांध देते हैं, इससे BP का मैनेजमेंट होता रहता है। ये BP कप बोलते हैं इसको। ये है SpO2 मशीन, ये पेशेंट की उंगली में लगती है, इससे हमारी SpO2 वगैरह और पल्स, ऑक्सीजन लेवल कितना आ रहा है वो मेजर होता रहता है। ये देखो, अब हम बात करते हैं कार्डियो मॉनिटर का। मैंने यूज कर लिया है पल्स ऑक्सीमीटर को, किस प्रकार हमारी रीडिंग आएगी, ये टू टू की आवाज़ चलती रहती है, इससे पता रहता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, क्या हार्ट रेट चल रही है। आइए, अब इसमें मेरी आ रही है 79, तो इसमें पल्स आ रही है, 100 ऑक्सीजन आ रही है, इस प्रकार पल्स SpO2 का मेजर होता रहता है पेशेंट का। और ये नीचे वाला जो खाना दिख रहा है ना, इसमें हम BP मेजर होता है, इसमें BP की काउंटिंग आती रहती है कि BP कितना आ रहा है, इस प्रकार पेशेंट का मोनिटराइजेशन चलता रहता है इसमें। इस प्रकार हम कार्डियो मॉनिटर को यूज में ले सकते हैं, इसकी आवाज़ को वॉल्यूम कम भी कर सकते हैं, इससे इसको स्टॉप कर सकते हैं, इस प्रकार हम कार्डियो मॉनिटर को यूज में ले सकते हैं।